हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, UP SSSC कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में 10 दिन हमें और टाइम मिल गया है। ठीक है, अब आपका ये परीक्षा 4 जनवरी को होगा। अभी ये 24 जनवरी को प्रस्तावित है, लेकिन यूपी में क्या चल रहा है आप सभी को पता है, और इंटरनेट ना होने की वजह से इंटरनेट 6 दिन बाद यहाँ पर चालू किया गया है, तो क्लासेस नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो भी आगे हमें 10 दिन मिला है, उसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे अपने वीक पॉइंट को कवर करते हुए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको 20 वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन आपको 2 वीडियो मास्टर मैराथन क्लास दूंगा। एक सुबह 11 बजे हिंदी का टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चन का एक वीडियो दूंगा डेली आगे आने वाले 10 दिन, और डेली शाम 7 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। ये UP SSSC जनरल अवेयरनेस आपके पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में, तो उसमें सारे टॉपिक एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। लगभग 200 प्रश्न इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जिसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी की संविधान वगैरह क्वेश्चन, करंट अफेयर्स मिलेगा, GS यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेगा, UP GK मिलेगा, और ये पहली क्लास है। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और आगे 10 दिन इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आए हो क्वेश्चन का, जो आपके इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने इस नोट्स को नहीं खरीदा है, अब भी आपके पास 10 दिन मिल गया है, पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप कवर कर सकते हैं दोस्तों, टाइम है, तो 69 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचे। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, इस नोट्स का लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और नोट्स परचेज करने के बाद आप इस 3000 क्वेश्चन को तो सबसे पहले कवर कीजिएगा, बाद में बाकी चीजें एक्स्ट्रा जो दी गई उसको आप पढ़िएगा अगर आप समय बचता है आपके पास तो, वरना इन 3000 क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा जो वन लाइनर माध्यम से देंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं बेस्ट टीचर और एक्सपर्ट के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको जरूर खरीदें, अभी खरीदें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, देखिए, अवैध अप्रवासियों की पहचान है तो अगस्त 2019 में चर्चित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था इसके बारे में प्रक्रियाएं, तो क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि इसके लेकर काफी ज्यादा बवाल हो चुका है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अगस्त से ही स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पर सही है, असम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध नाट्यकार, साहित्यकार, अभिनेता व फिल्म निर्देशक गिरीश कर्नाड का निधन किस तिथि को हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा, एक देखें अच्छे से देखें, ये नहीं कि 20 प्रैक्टिस सेट करें, दिन में आप दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के एक एक क्लास लें, मैराथन क्लास लें, जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हों, स्मार्ट स्टडी करेंगे, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया, सभी लोग आंसर भी करेंगे। ठीक है, सभी लोग साथ साथ आंसर भी करेंगे यहाँ पर नीचे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है, 10 जून 2019 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों से जुड़े आर्थिक सिद्धांतों पर उनके शोध में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया है, यानी कि ये 2018 में ही इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन दिया है 2019 में गया, इसलिए क्वेश्चन आया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों, यानी पाल रोमन और विलियम नाडहॉश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, जून 2019 में 17वीं लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला कहाँ से भाजपा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में आपके करंट अफेयर, UP GK, UP करंट अफेयर, जनरल साइंस, पॉलिटी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी यहां पर सही है, कोटा बूंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दें दोस्तों, जल्दी लिए कमेंट करें, और क्वेश्चंस कैसे आपको लगे आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका, ऑप्शन ए यहां पर सही है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों, 6 का राइट आंसर दीजिए, सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी यहां पर सही है, अविद्युतकृत परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। 6 का सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग के में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दें, तो 7 का जो सही उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, केरल को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष खुद PM नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में PM रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का
संबंध था। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें, चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, नीचे भी आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, तो 8 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर सही है, महामेघवाहन वंश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। 9 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों, और इसका पीडीएफ फाइल आपको डायरेक्ट आपको डाउनलोड करने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा इसको। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाइए इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, बनावली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी, कब की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन से दोस्तों, महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोट्स कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दें। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है बी टॉपर 2.0, ठीक है, क्या नाम है, बी टॉपर 2.0 दोस्तों। इस चैनल पे हम टॉपिक वाइज हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो और जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो अपलोड करते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने सभी एग्जामों में पूछा है अब तक टॉपिक वाइज, जैसे वर्णमाला के जितने भी प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी वो मैंने कवर कराया है, समास कराया है, संधि कराया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, लिंक न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो अवेलेबल है उसको भी देखें। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दे दूं, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार इनके डबल बैरियल का प्रमाण मिला। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो 13 का जो सही उत्तर है सी ऑप्शन सही है, लोथल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दें आप लोग, 14 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% यानी 50% कर दिया वह था, वह कौन था। 15 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दें आप लोग, 16 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 1928 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताना है। 17 का राइट आंसर दीजिए फटाफट, 17 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए, निम्नलिखित इमारतों में से इनके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है। तो यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए तबकात ए अकबरी किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही, निजामुद्दीन अहमद ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दें, 20 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए जैसा कि आपको पता है सिलेबस आपने देखा हुआ, वहाँ पर सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि समान ज्ञान लिखा गया। तो समान जानकारी में आपके सारे टॉपिक आते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर इसीलिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लिया है। देखिए निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी वन जो है वो संतरा इसका सोर्स नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिए टेप्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए, 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए साबुन ग्रीज को हटाता है, 23 का राइट आंसर, 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, पायशीकरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्राव होने में भूमिका निभाता है। 24 का राइट आंसर दीजिए फटाफट,
तो यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। देखिए साथ साथ आप लोग आंसर भी करते रहें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है या आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट जरूर करते रहें आंसर का अगर पता है। 25 है देखिए, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं क्या होता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, तो यहाँ पर 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है बताएं। 26 का उत्तर, तो यहाँ पर 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगे, आंतरिक तरंगे होती हैं। अगला है 27, देखिए ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है या परिवर्तित रहती है बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है बी ऑप्शन सही है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए फलों के मीठे का स्वाद का कारण क्या है, किस कारण से फल मीठे होते हैं। 28 का राइट आंसर दे, चार ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, फ्रक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर है, 29 का राइट आंसर दें। 29 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी सही है, रेशम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए आयोडीन की कमी से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 का राइट आंसर दें आप लोग। 30 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर सही, घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, 31 का उत्तर दें आप लोग। 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 31 का, वेरी गुड, 31 का डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ट्रैट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, 32 का राइट आंसर, 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है बताएं, 33 का उत्तर, तो यहाँ पर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आपका, सॉरी 33 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन हरित गैस ग्रह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताएं, 34 काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, आईएमपी प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का क्या उत्तर हो जाएगा, 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी 34 का आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा सी, सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है, SO2, ठीक है, क्या हो जाएगा 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कौन सा हरित ग्रह गैस नहीं है, तो CO2 जो होता है वो हरित ग्रह गैस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए एंटासिड होते हैं, क्या होता है एंटासिड, 35 का राइट आंसर दें आप लोग। 35 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, भस्म या बेस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए जल गैस है, जल गैस कौन सा है यहाँ पर बताएं, 36 का उत्तर, 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, CO+HO2H2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, गार्ड पार्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, हिग्स बोसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 38 में आपको देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए, तो इसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, सारे देखिए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष हटाया जाना, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ना, तो ये किस किस संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी चीज़ें लागू की गई थी, किया गया था, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो दिया गया आपका न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो ये आपका ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 38वें संविधान संशोधन के तहत। फिर आपका जो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दिया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, यहाँ पर बी ऑप्शन का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद में आपका जो सी ऑप्शन है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया जाना, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यानी कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो आपका डी ऑप्शन है उद्देशिका
में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 39 का राइट आंसर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही है 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 40 का राइट आंसर दें आप लोग। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द आया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। 42 का राइट आंसर दें आप लोग। 42 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है अनुच्छेद 21 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। फोर्टी थ्री का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 338 का के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए लेखा अनुदान बना है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर दें। चौवालीस का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। 45 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए निम्नलिखित में से देखिए क्या कह रहा है 46। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर, तो यहाँ पर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से प्राप्त किया गया है। 47 का राइट आंसर, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 47 का राइट आंसर दीजिए। तो 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। 48 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है अनुच्छेद 164 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। 49 का राइट आंसर दीजिए। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। अब आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सारे टॉपिक मैंने कवर कर दूंगा यहाँ पर आपको 100 से 150 क्वेश्चंस के अंदर। डेली आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है 40,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। तो यहाँ पर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। 53 का राइट आंसर दीजिए फटाफट।
देखिए मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सही है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ये सारा याद कर लें आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? 54 का राइट आंसर दें। जो मैंने 59 रुपीज़ का नोट्स रेकमेंड किया दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिए हैं आपको। कुछ करना नहीं, बस उसको याद करना है, पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट फंसेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर खरीदिएगा जरूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का 54 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, देखिए सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, 55 का राइट आंसर दें आप लोग। पचपन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए सही है, लहरों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही है ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? 57 का राइट आंसर दें दोस्तों। एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे मिलेगी, अभी तो ये लेट हो गया है, लेकिन कल से आपको शाम 7 बजे डेली ये क्लास मिलेगी, ठीक है? या हो सकता है प्री रिकॉर्डेड मिले, या लाइव नेटवर्क अच्छा रहेगा तो लाइव करेंगे, और डेली सुबह 11 बजे आपको हिंदी की एक क्लास मिलेगी मास्टर क्लास, इसी तरीके से दोनों क्लास जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये शायद क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया, तो 57 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर, 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है बताएं। 59 का राइट आंसर, का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, 60 का राइट आंसर। साठ नंबर का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है दोस्तों, हैरोड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं श्वेत क्रांति, काली क्रांति, ठीक है, ये सारी आप लोगों को याद करने लगा है कब हुआ है और इसका उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कच्चा तेल उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर दें आप लोग, का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है बताएं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर, नकदी फसल कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से बताना है, 63 का राइट आंसर। तिरसठ का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही है, ज्वार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, बैंक दर का आशय क्या है, यानी कि बैंक दर का मतलब क्या है बताना है, 64 का राइट आंसर, सॉरी 64 का आंसर, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, देखिए किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर दीजिए, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, VKRV राव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? 66 का राइट आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
छाछठ का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है दोस्तों, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेशी FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? 67 का राइट आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा, 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर, तो 68 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, 68 का डी ऑप्शन सही है 2005 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दें आप लोग। सिक्सटी नाइन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, नीति आयोग है, ठीक है, ये योजना आयोग और नीति आयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रशांतता सूचकांक 2019 में 156 देशों की सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 का राइट आंसर, इंडेक्स सारा आप लोग पढ़ के जाइएगा, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगा 59 रुपीज़ में, उसको खरीदिए, सारा आपका वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। 70 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है दोस्तों, 140वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अब यूपी जीके से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर, सेवेंटी वन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहां पर सही है, 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, देखिए निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? 72 का राइट आंसर दें आप लोग। सेवेंटी टू का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, डांडिया नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, देखिए लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? 73 का राइट आंसर दें आप लोग। सेवेंटी थ्री का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, बरसाना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 21-23 जनवरी 2019 को कहाँ संपन्न हुआ? 74 का राइट आंसर, यूपी के करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 74 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, देखिए निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? 75 का राइट आंसर दें आप लोग। तो यहाँ पर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? 76 का राइट आंसर दीजिए। सेवेंटी सिक्स का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, देखिए उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र पाए जाते हैं? 77 का आंसर दें। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? 78 का राइट आंसर, सेवेंटी एट का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, जॉन सारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? 79 का राइट आंसर दें आप लोग। सेवेंटी नाइन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? 80 का राइट आंसर दीजिए।
80 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर ललितपुर में सी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। 81 का राइट आंसर दें आप लोग, जी हाँ 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा टेसू, ठीक है कहीं कहीं पलास नजर आएगा पलास तो वो भी सही हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 82, 82 देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 82 का राइट आंसर दीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर नीचे हैं, यहाँ से उत्तर आप लोग करें। 82 का राइट आंसर, एट्टी टू का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा बीघा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सेवा के अधिकार के अवधारणा प्रारंभ हुई। 83 का राइट आंसर, 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है, बताएं। 84 का राइट आंसर, यहाँ पर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। 85 का राइट आंसर, एट्टी फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। 86 का राइट आंसर, यहाँ पर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योटो में, कहाँ क्योटो में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के परमाणु सिद्धांत में शामिल है, बताएं। 87 का राइट आंसर, 87 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर सही है उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। 88 का राइट आंसर दें आप लोग, और इसका पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा वीडियो पब्लिश होने के बाद में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मिल जाएगा, वहाँ से के ज्वाइन कर लें, आगे आने वाले 10 डेज़ के क्लास की भी वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी आपको, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। और 59 रुपीज़ वाला नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, उसको वहाँ पर क्लिक करके नोट्स को परचेज जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, 1999 से 2000 के मध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है। 89 का राइट आंसर दें आप लोग, एट्टी नाइन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी सही है, मशहूरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, बताएं। 90 का उत्तर, नब्बे नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है तमिलनाडु का समुद्र तट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। 91 का उत्तर, नाइन्टी वन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका, कोंकण तट। अगला सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 91 का ए सही हो जाएगा, मैंने 90 पे टिक कर दिया, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 91 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश पंजाब और हरियाणा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 91 का बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात 1999 में कारगिल युद्ध तक विभिन्न युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की स्मृति में राष्ट्रीय समर स्मारक को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जनवरी 2019 को राष्ट्र के को समर्पित किया गया, यह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन टॉपिक बहुत छोटा सा है, 92 का राइट आंसर दीजिए, पूछा जा सकता है प्रश्न। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, 92 का आपका ऑप्शन डी सही है, कहाँ हो जाएगा, डी ऑप्शन इंडिया गेट के निकट नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, बताएं क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर। जी हाँ, 93 का सही उत्तर, 93 का सी ऑप्शन सही दोस्तों, एंटोनियो गुटरेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताएं 94 का राइट आंसर। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दिया, बेल आइकन जो बगल में दिया उसको जरूर आप प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले 10 डेज की क्लासेस आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर 94 का सी सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, देखिए निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है, 95 का आंसर। का सही उत्तर दीजिए फटाफट। जी हाँ, 95 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 95 का, 95 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर आपका, मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, देखिए जरवा जनजाति जरवा ट्राइब पाई जाती है, कहां पाई जाती है, 96 का राइट आंसर दीजिए। जी हाँ, 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर। नाइन्टी सेवन का सही उत्तर देना है आपको, 97 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 97 का क्या हो जाएगा, जी हाँ 97 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, देखिए यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर दीजिए। नाइन्टी एट का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर दें। जी हाँ, 99 का राइट आंसर दीजिए कमेंट करके फटाफट। वेरी गुड, 99 का क्या हो जाएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, आंसर की में कुछ मुझे गलत लग रहा है कि आंसर गलत बताया जा रहा है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर कल वाली सेशन में बता दूंगा, ठीक है। 100 पे आ जाते हैं, देखिए तमसोमय ज्योति गर्मय कथन है मूलतः, 100 का राइट आंसर। हंड्रेड का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उपनिषदों का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 200 क्वेश्चन सोचा था करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैंने करवाया है, देखते हैं अगर कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स, मैंने 200 क्वेश्चन तैयार किए थे, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अभी, तो अभी 100 इस वाली सेशन में देखते हैं, क्योंकि आज ये एक्स्ट्रा क्लास है, कल आपका 24 तारीख हो जाएगा, तो 24 तारीख से आपके पास पूरे 10 दिन बचेंगे। तो ये ट्रायल वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, अच्छा है कैसा है लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, इंपॉर्टेंट लगे या नहीं वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अगर 500 लाइक इस वीडियो पर आ गए दोस्तों कल तक, तो मैं इस सीरीज़ का 200 क्वेश्चन डेली मैं करवाऊंगा, डेली शाम 7 बजे इस टॉपिक का, यानी कि जीके जनरल अवेयरनेस का होगा, और सुबह 11 बजे आपको हिंदी का मिलेगा, ठीक है। कल हिंदी का मिलेगा आपको 11 बजे, आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें दोस्तों, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन लोगों ने इस नोट्स को नहीं परचेस किया है दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, वहां से इसको परचेज जरूर कीजिए। 59 रुपीज़ के लिए बिल्कुल ना सोचे, 10 दिन जो आपको पास मौका मिला है, आप लोग इस नोट्स को परचेज करके पढ़े जरूर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट फंसने वाला है। इसमें जो 3000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, इनको आप लोग पढ़ के चले गए, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको ईजिली परचेज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया उसका PDF फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नीचे सबसे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ से आके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।